सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार एक मूर्तिकार ने दो मूर्तियां रख रखी थी। बहुत सारे लोग गुजर रहे थे। एक जैसी मूर्तियां एक ही जैसी दिखती थी, लगभग एक जैसी थी, कोई अंतर नहीं था। मूर्तिकार ने इनाम की घोषणा कर दी, इन मूर्तियों में एक भेद है, जो भी उस भेद को बताएगा उससे मैं इतना इनाम दूंगा, इतना इनाम दूंगा। लोग आए, लोग देख देख के हैरान, मूर्ति लगभग एक जैसी है और ये कह रहा है दोनों में अंतर है। कोई अंतर नहीं निकाल पाए, कोई अंतर नहीं निकाल पाया। और उसमें उसने कहा कि एक मूर्ति की कीमत इतनी है और एक की उससे 100 गुना ज्यादा है। एक मूर्ति मान लीजिए 1 रुपए की और एक मूर्ति 100 रुपए की, तो बताओ इसमें से 100 रुपए की मूर्ति कौन सी और 1 रुपए की मूर्ति कौन सी है। लोग परेशान, लोग खूब ढूंढ ढूंढ परेशान हो गए, ना पता पड़ पाया। तभी एक संत वहां से गुजरे, उन्होंने देखा, बोला हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, मूर्तियां बड़ी सुंदर है, लेकिन आपने जो शर्त रखी है मैं भी प्रयास करूं। उन्होंने प्रयास किया। अब प्रयास करके उन्होंने एक बड़ी सी रस्सी मंगाई, उसमें शक्कर और घी लगाया उसको टाइट करने के लिए, तो एक मूर्ति के कान में उसको डाला। जब एक मूर्ति के कान में डाला तो वो डोरी दूसरे कान से बाहर आ गई, बाहर निकल गई। फिर दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तो दूसरी मूर्ति के कान में जब डाला तो वो कान से होती हुई अंदर अंदर ही अंदर हृदय तक आ गई, और हृदय पर उसने माटी लगा रखी थी, छेद वहां भी था। उसने जब बहुत उस पर प्रयास किया तो वो माटी गिरी और वो छेद खुल गया, वो कान से गई और हृदय से निकली। बोला ये सबसे कीमती है, ये कीमती, समझ लेना, ये मूर्ति आप ही हो। 1 रुपए की मूर्ति हो कि 100 रुपए की मूर्ति हो, ये थोड़ा सा सोच के बैठना है। यहां से सुना यहां से निकाला या यहां से सुना यहां तक पहुंचा दिया। कथा यही है, दर्शन यही है, जीवन का ही दर्शन यही है, जो हमें जानना है, जो हमें समझना है, जो हमें सोचना है, जो हमें जीना है। और जो ये जी लिया तो सब जी लिया, समझ लीजिएगा, आनंद हो जाए।